चलिए आज सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान रहती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, गया है, और कंप्लीट वर्क होता है, मतलब कार्य पूरा होना होता है। फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो इसका रूल्स नियम रहता है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और हैव बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं इसमें। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुकी है, सी हैज़ प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। इसी तरह देखते हैं नेगेटिव टेंस बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बोले जाते हैं जिन्हें फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वह खेल नहीं चुका है, ही हैज़ नॉट प्लेड, वह खेल नहीं चुकी है, सी हैज़ नॉट प्लेड, मैं खेल नहीं चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड, तुम खेल नहीं चुके हो, यू हैव नॉट प्लेड, हम खेल नहीं चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड, वे खेल नहीं चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड। चलिए इसी तरह बनाते हैं इंटरोगेटिव टेंस, सकारात्मक के वाक्य बोलते हैं इनको। फॉर्मूला रहता हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब रहती है सहायक क्रिया हैज़ हैव। चलिए बनाते हैं कुछ सेंटेंस इसी प्रकार, क्या वह खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड, क्या वह खेल चुकी है, हैज़ शी प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड, क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड, क्या हम खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड। इसी तरह बनाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड कुछ सेंटेंस, वह खेल क्यों चुका है, वाई हैज़ ही प्लेड, वह खेल क्यों चुकी है, वाई हैज़ शी प्लेड, मैं खेल क्यों चुका हूँ, वाई हैव आई प्लेड, हम खेल क्यों चुके हैं, वाई हैव वी प्लेड, वे खेल क्यों चुके हैं, वाई हैव दे प्लेड। जुड़े रहिए हमारे साथ और बनाते रहिए सेंटेंस, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।